ईवीएम मशीनें दिखाएंगे, कौन कौन से बूथ पर बीमार पड़ी, लेकिन ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं जनता इंटर कॉलेज का, जहां का सबसे पहले बूथ नंबर 277 पर वीवीपैट बीमार पड़ गया और फिर क्या हुआ हम आपको सुनवाते हैं। ये जनता इंटर कॉलेज है, बूथ संख्या 277। तो क्या बजे स्टार्ट हुआ, क्या खराबी थी क्या? यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में वीवीपी मशीन जो थी वो गड़बड़ हो गई। आधे घंटे के बाद इंजीनियर बुलाया गया, उसने उसको मशीन को करते करते कम से कम 2 घंटे टाइम वेस्ट करवाया। तो क्या बजे स्टार्ट हुआ? फिर ये पोल स्टार्ट हुआ है 8:45। कितनी देर खराब रही मशीन? 1.5 घंटा मशीन खराब रही है। और अब हम नजारा दिखा रहे हैं बालतराय का बूथ नंबर 285, जहां पर जिलाधिकारी महोदय को बुलाया गया। जिलाधिकारी महोदय आनंद फानन आए, आने के बाद में समस्या का समाधान किया, लेकिन उसके बाद में मतदान फिर शुरू हुआ, हम आपको सुनवाते हैं। बताइए जिलाधिकारी किस बात को लेके यहां आए थे? जिलाधिकारी साहब यूं आए थे, यहां पर जो है बीएलओ का जो लिस्ट है उस लिस्ट के मुताबिक पर्चियां ओके है, अंदर जो पेटम मीटर सील लोग बैठे हुए हैं उनकी लिस्ट अलग है, उस लिस्ट के मुताबिक बेलों की लिस्ट अलग हो रही थी। तो उन्होंने जो लिस्ट मेरे करे हैं उसके हिसाब से वोट डलाए गए, बेलों की लिस्ट नहीं मानते। तो जिलाधिकारी साहब को शिकायत करी गई, जिलाधिकारी साहब आए मौके पर, उन्होंने देखा और देखने के बाद आदेश करके गए हैं कि जिनका आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम इसमें है तो आप वोट डलवाइए। तो लिहाजा हम लोग के वोट अब डलने लगे। और यही हाल मंगाई टोले में हुआ। आपको बता दें कि सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां पहुंचे तो जनता ने उन्हें घेर लिया और कहा कि यहां वोट नहीं पड़ना है, मशीन खराब है काफी समय से। लेकिन इसी बीच आपको बता दें सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने फोन लगाया जिलाधिकारी को, फिर क्या हुआ हम आपको सुनवाते हैं। ये तमाम ये बेचारे बीएलओ वाली पर्चियां लिए घूम रहे बाहर लिए, कोई मैसेज इनके पास नहीं आया है, वो कह रहे हैं वोट नहीं पड़ने देंगे वाला। आधार भी है, रसीद भी है, सब कुछ है। अरे हम यहाँ किले पे आए थे लेकिन फिर भी नहीं पड़ने दे रहे। हम तो यहाँ बहुत भीड़ लगी है, यहाँ काफी लोग हैं, यहाँ पर हम आए हुए हैं। और लोधीपुर का भी यही हाल है, और मेहमान जलालगर और जलालगर का भी यही हाल है, एमएनसी जलालगर का भी, सब जगह यही हाल है। जो वोट लौट जाएंगे गर्मी में वो वोट नहीं पड़वाएंगे, परसेंटेज भी घट रही है, और खास तौर से वोटर हमारा बहुत नुकसान हो रहा है इसमें, बहुत ज्यादा हजारों वोट। और मशीनें भी 121 नंबर मेरी 1.5 घंटा हो गया बंद है, मेरे मोहल्ले की मशीन 125 बार बंद हो रही है, वो नहीं सही, 1.5 घंटा हो चुका अब तक। और 210, 207, 121, 125 ये मशीनें बंद है। रहीमपुर की 24 नंबर बंद हो गई है, बहुत देर से वही बंद है रहीमपुर की 24 नंबर, ठीक है। अब किले पे तो और अब हम नजारा आपको दिखा रहे हैं सरकाइयों का, जहां कर बूथ नंबर 334 336 की मशीन बीमार पड़ गई। और इसी बीच आपको बता दें जिलाधिकारी के बाद मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, लेकिन मतदाताओं का भी ये कहना था कि जाऊंगा तो वोट डाल के ही। लेकिन क्या जब आए और गए परेशानी, एक तो धूप जैसी परेशानी, एक यहाँ पे मतलब ऐसे ही, अब वो आए तो खैर वो मशीन सही हो गई तो वो हमसे जलवा दिया गया, घंटे खड़े रहे थे लाइन में। तो अब बोर्ड आपका पड़ गया? जी पड़ गया। कौन सा बूथ है ये? 338 वाली। क्या दिक्कत आ गई थी यहाँ? इसमें मशीन अंदर गए, वो कह रहे मशीन ही नहीं चल रही, करें क्या? बूथ संख्या 338 हम लोग खड़े रहे, और 336 वाली मशीन भी खराब रही। अब वो लोग कह रहे आप लोग जाओ बाहर। कितनी देर तक खराब रही? करीब 2 घंटे। 2 घंटे उसके बाद में सही हुई, 2 घंटे बाद वोट डाले गए। अच्छा जिलाधिकारी आए थे? हाँ आए थे। उनके आने के बाद सही हुई? हाँ। और नजारा अब हम दिखा रहे हैं आपको फतेहपुर रेती का, जहां पर बूथ नंबर है 323, वहां पर भी क्या क्या हुआ हम आपको सुनवाते हैं मतदाताओं की जुबानी कि कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा यहां पर बीएलओ और पीटरसीन अधिकारी ने क्या कुछ करा, हम आपको सुनवाते हैं मतदाताओं की जुबानी। के ऊपर पहले वो लोग वोट नहीं पड़ने दे रहे थे, अब उन्होंने दोबारा से हम लोगों ने फोन करा, सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब आए, उन्होंने नई लिस्ट दी है लाके, अब उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। अब शुरू हुआ। बहरहाल तो ये बताइए जितनी जो बाधा पड़ी ये कितने घंटे पड़ी रही? ये बाधा कम से कम सुबह से 8 बजे से लेके 8 बजे लेके अभी तक पड़ी रही है, करीब 4-4.5 घंटे बाधा प्रॉपर पड़ी रही। बात चालू हो पाया? उसके बाद ये प्रॉपर चालू हो पाया। अभी भी अगर किसी के पास प्रशासन दिया रहा जो पर्चियां दी हुई हैं उन पर्चियों में और जो फोटो शो कर रहा है, अगर मेरे आधार कार्ड पे जो फोटो जरा सी उसमें मिस्टेक है या चेहरा उनने जूम करके थोड़ा गड़बड़ कर दिया अपनी पर्चियों में, तो भी वोट नहीं डालना है। और गन्ना शोध परिषद में तो हंगामा हो गया। आपको बता दें कि 4.5 से 5 घंटे तक ईवीएम मशीन खराब पड़ी, बाखूबी आप देख रहे हैं यहां पर मतदाताओं ने काफी रोष दिखाया, तो सुरक्षा बलों ने उन्हें रपटाया, हम आपको विस्तार से यह भी सुनवाते हैं। भैया ये बताइए यहाँ गन्ना शोध परिषद में भी मशीनें खराब हुई? जी हाँ। कैसे खराब हुई, क्या बजे खराब हुई? ये 11 बजे से नहीं चल रही, 78 नंबर बूथ नंबर 78 जी। फिर क्या हुआ?
नहीं चली नहीं रही है तो पब्लिक आ रही है वापस जा रहा है तो इस समय भी खराब है जी इस समय भी खराब है सब औरतें वापस और डिपार्ट के आदमी कह रहे हैं कि मतलब अभी आधे घंटे में आ रही 15 मिनट में आ रही बात यही हो रहा है 11 बजे खराब हो गई सब औरतें जा रही वापस बाबूराम जी कितनी देर हो गई आपको वोट यहाँ पर करीब 2 घंटे हो गए हैं तब से मशीनें 78, 81 और 83 नहीं चल रही है और इसके बाद यहाँ पर करीब करीब 200 की संख्या में वोटर जो खड़े थे काफी भीड़ लग गई वो पुलिस वालों ने भगा दिया कि आप वोट नहीं पड़ पाएगा तुम लोगों का भाग जाओ यहाँ ये हुआ और अभी नहीं और मतदाताओं में कितना गुस्सा है हम आपको आगे दिखाएंगे। उनका ये कहना था कि प्रजातंत्र की चोरी हो रही है लोकतंत्र की चोरी हो रही है चोरी कौन करवा रहा है ये मैं नहीं बता सकता लेकिन कुल मिला के खुलेआम आपको बता दें कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है लेकिन मैं सामाजिक तौर पर बोल रहा हूँ यहाँ पर प्रजातंत्र की चोरी हो रही है लोकतंत्र की चोरी हो रही है ये जान पूछ के चोरी हो रही है ये देश का कोई भी आदमी चोरी करा रहा हो मुझे नहीं मालूम लेकिन लोकतंत्र की चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है भेज रहे हैं लेकिन यहाँ पर 2 घंटा हो गया कोई नहीं आया बता देते हैं मशीनें खराब है वोट का जब बता रहे हैं वहाँ पर बहुत सारा जमाव लग गया। ईवीएम की बीमारी यहीं तक नहीं रुकी जमुई में भी इस तरीके की हरकतें सामने आई हैं जो आप देख रहे हैं बाखूबी। ईवीएम ने काम छोड़ दिया काम छुड़वाया गया छोड़ा गया लेकिन कुल मिला के ईवीएम मशीन खराब हो गई और खराब होने पर लंबे टाइम तक खराब रही लेकिन जब लाइलाज हो गई तो दूसरी ईवीएम मशीन मंगवाई गई। हम आपको विस्तार से आगे दिखाएं लेकिन कुल मिला के आज सुबह से ही ईवीएम मशीनें जो बीमार पड़ी तो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी और उसके बाद फिर मंगवाई गई नई ईवीएम मशीनें जो बाखूबी आप देख रहे हैं।